हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल्स के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टर्चरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इसमें भी हमने प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टू कैटेगरीज

और इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ लोकल फोल्डिंग और इस लोकल फोल्डिंग की वजह से हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए दिस लोकल फोल्डिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आदर डोमेन्स एज वेल एज मोटिव्स डोमेन्स और मोटिव्स के कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर एंड अल्टीमेटली वी टॉक्ड अबाउट द

क्योंकि नेचर में किसी भी प्रकार की प्रोसेस हो केमिकल प्रोसेस हो फिजिकल प्रोसेस हो या बायोलॉजिकल uh, प्रोसेस हो एनी प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी इनपुट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो देर इज अ चेंज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज यूनिवर्स इन चीजों को स्टडी करने के लिए थर्मोडाइनमिक्स जरूरी होता है सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली वॉट इज द थर्मोडायनामिक्स थर्मोडाइनैमिक्स है क्या Thermodynamics it is the branch of science which deals with the study of, it, it deals with the study of energy or heat changes, heat is one of the form of energy during any process. किसी भी प्रोसेस के दौरान हीट या एनर्जी चेंज किस प्रकार का होता है प्रोसेस होने पर या प्रोसेस होने सु, के समय दैट कैन बी स्टडीड बाय सो सिंपली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी और हीट चेंजेस ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस जैसे हम यहाँ पर प्रोसेस का मतलब है कोई भी हो सकता है प्रोसेस में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इट में भी केमिकल प्रोसेस और इट मे बी फिजिकल प्रोसेस तो कोई गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट में एनर्जी रीयूज होगी और कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस होगी तो देर इज अ कंजम्पन ऑफ एनर्जी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी हम काम के लिए यूज करेंगे और कुछ एनर्जी इवन दो इट इज कंज्यूम्ड बट इट इज नॉट यूटिलाइज फॉर डूइंग वर्क इस प्रकार के एनर्जी चेंजेस गाड़ी चलने के समय भी होते हैं केमिस्ट्री में देखा जाए कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ अमाउंट में एनर्जी गेन की जाएगी कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस की जाएगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे उसका यूज कर कर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट दिया जाएगा तो द सेम थिंग इज ट्रू फॉर केमिस्ट्री एंड वी आर इंटरेस्टेड इन मेनली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट में एनर्जी यूज़ हो रही है हर एक एनर्जी जो यूज तो हो रही है हर एक कैलोरी जो यूज हो रही है सभी कैलोरीज को हम प्रोडक्टिव आउटपुट्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस हो रही है तो ड्यूरिंग एनी प्रोसेस इज अ चेंज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दैट इज सराउंड बाईजिंग थर्मोडायन थर्मोडायनामिक्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है मेनली इफ वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स और इफ यू स्टडी द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसिस नाउ इंस्टेंट कॉलिंग थर्मोडायमिक्स प्रिसाइसली हम इसे बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं सो बायो एनर्जेटिक्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बट ये थर्मोडाइनेमिक्स किसके लिए है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इसका मतलब वॉट इज बाजी बायोजिटिक्स द स्टडी ऑफ इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी बायोकेमिकल प्रोसेस जिकल प्रोसेस में करना है लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रोसेसिस के दौरान किस प्रकार के चेंजेस होते हैं थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट अब थर्मोडाइनमिक्स बड्ढा क्यों है हम क्या इंफॉर्मेशन ऑप्टेन कर सकते हैं बाय स्टिंग दर्मोडायनेमिक्स वाई वाइट स्टडी द थर्मोडा किसी रिएक्शन किसी भी प्रोसेस का थर्मोडाइनमिक स्टडी क्यों करना है टेल्स अबाउट नेचर ऑफ़ रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पर कोई रिएक्शन है जिसमें हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे ग्लूकोज ये कंज्यूम द ग्लूकोज और कोई भी सेल ग्लूकोज को कंज्यूम करती है तो इसे फाइनली पूरा ऑक्सीडाइज किया जाए तो इससे बनेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ये कोई केमिकल प्रोसेस है हम इस केमिकल प्रोसेस के दौरान समझना चाहते हैं कि यह प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी इसका मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा या वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे नेचर का मतलब क्या क्या हो सकता है नेचर मीन्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी वेदर ग्लूकोज इज कन्वर्ट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड वाइस वर्सा सेकेंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन कितना प्रोडक्ट बनाएगी कितना सब्सट्रेट कंज्यूम करेगी इस रिएक्शन के दौरान कितना ग्लूकोज कितने अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एक्सटेंट मीन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ या कितनी देर तक ये रिएक्शन चलती रहेगी थर्ड थिंग जो कि नेचर का मतलब होता है आकर एनर्जी फ्रॉम द आउटर साइड और एनी अदर सोर्स दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनिटी डिसाइड और डिस्क्राइब वेदर रिएक्शन विल आकर विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी और देर इज ए नीड ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनिटी का मतलब तुरंत होना ऐसा नहीं है स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होने के लिए एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी थ्री थिंग्स विच आर कंसिडर्ड एज ए कंपोनेट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन ओके तो थर्मोडाइनामिक्स डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन डिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट reaction. कोई रिएक्शन reaction कितनी स्पीड से होगी ये थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है बस ये बताएगा किस डायरेक्शन में होगी हाँ थर्मोडाइनामिक्स ने बता दिया ग्लूकोज वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा लेकिन कितने दिनों बाद होगा कितने साल बाद होगा ये नहीं बताएगा

ऑफ़ रिएक्शन रिएक्शन कैसी हो रही है आपको नहीं बताएगा हाँ, ये बताएगा कि ग्लूकोज का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होगा तो रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी लॉस होगी कितनी एनर्जी गेन होगी या उसकी डायरेक्शन बताएगा इट डज नॉट टेल्स अबाउट रिएक्शन ओके मैकेनिज्म इज द वे ऑफ रिएक्शन स्टेप्स ऑफ रिएक्शन इसको लेना देना नहीं है बस वो कहलाएगा या कहेगा कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी इतनी इतनी देर के लिए होगी और इसको होने के लिए एनर्जी जरूरी है या नहीं है बस इतना बताएगा स्पीड नहीं बताएगा मैकेनिज्म नहीं बताएगा तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ थर्मोडायन और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है थर्मोडायनिक्स के लिए रूल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आर नॉट अप्लाइड फॉर अलोन सिस्टम और सराउंडिंग अकेले सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स होते नहीं है रूल्स ऑफ जो लॉज ऑफ हम डिस्कस करेंगे दे आर अप्लाइड ऑन यूनिवर्स रूल्स ऑफ आर नॉट ट्रू फॉर अलोन सराउंडिंग और सिस्टम रूल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर ट्रू फॉर यूनिवर्स और यूनिवर्स का मतलब यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग। वन मोर थिंग दैट वी टू रिमेंबर थर्मोडायनामिक्स के जो रूल्स होते हैं वह यूनिवर्सल होते हैं यूनिवर्सल का मतलब क्या है जो रूल्स केमिस्ट्री के लिए है वही रूल्स फिजिक्स में अप्लाई होंगे और वही रूल्स बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काम करेंगे इसका मतलब बायोलॉजी के लिए अलग थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अलग रूल्स फिजिक्स के अलग रूल्स ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली रूल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दे आर यूनिवर्सल थर्मोडाइनमिक्स के रूल्स कैसे होते हैं यूनिवर्सल होते हैं दे आर सेम फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सिस्टम दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और थर्मोडायनामिक्स हमें समझना है तो हमें कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी पड़ेगी जैसे सिस्टम क्या है सराउंडिंग क्या है और दोनों का मिलकर जो बनता है यूनिवर्स क्या है इनके बारे में हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टम्स सराउंडिंग एंड द यूनिवर्स सिस्टम मीन्स वॉट एनी मैटर अंडर एनर्जी चेंजेस एनर्जी और वी कैन से हीट चेंजेस कॉल्ड एस सिस्टम एनर्जी सॉरी एनी मैटर अंडर हीट चेंजेस और एनर्जी चेंजेस कॉल्ड एस सिस्टम इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका एनर्जी चेंज हम स्टडी करना चाहते हैं That can be called as system. For example, system may be as small as one atom. System kya ho sakta hai एक single atom ho sakta hai If we are interested in the study of energy changes in the atom in a particular process, हम atom के होने वाले energy changes के बारे में discuss करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसे हम कहेंगे system. और atom के आसपास जो भी हिस्सा रहेगा, आसपास का जो area रहेगा, जो atom का part नहीं है, that is called as सराउंडिंग सिमिलरली हम कोई मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान इसमें क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं हम पढ़ना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग वॉट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस आकर दैट ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर ये हम पढ़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे प्रोटीन को क्या है ये सिस्टम है तो प्रोटीन जो अनफोल्डेड रहेगा वह भी सिस्टम है और जो प्रोटीन फोल्ड होगा वह भी सिस्टम है अनफोल्डेड कंडीशन में कितनी एनर्जी कंटेंट थी अब फोल्डेड होने के बाद प्रोटीन में कितना एनर्जी कंटेंट है तो so, हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के होने वाले एनर्जी चेंजेस तो बट इसके आसपास जो आ, जो हिस्सा रहेगा आसपास का एरिया जो रहेगा आसपास कौन है दैट इज अ वाटर सराउंडिंग में कौन रहेगा वाटर तो so, अब इस सिस्टम के लिए सराउंडिंग क्या बनेगी वाटर इज अ सराउंडिंग एंड दिस प्रोटीन विल बी दिस्टम और इन दोनों को मिलकर जो भी बनता है दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्स ये यूनिवर्स अलग है थर्मोडाइनेमिक्स का इंग्लिश वर्ड यूनिवर्स जो है अलग है यूनिवर्स ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़ा होता है पूरी दुनिया है ऐसा नहीं है एक स्मॉल चीज भी हो सकती है जिसके आस पास का हिस्सा हो सकता है दोनों को मिलकर हम यूनिवर्स कहते हैं ओकेउंडिंग okay. अब जो भी थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स अप्लाई होंगे या लॉज अप्लाई होंगे इन दोनों को मिलकर होंगे अकेले प्रोटीन पर अकेले वाटर पर नहीं दोनों को मिलकर रूल्स अप्लाई किए जाएंगे ठीक है सो हमने लिया और उस बैक्टीरिया में होने वाले एनर्जी चेंजेस स्टडी करना स्टार्ट किया दैट कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम और उस बैक्टीरिया के आसपास जो भी कंपोनेंट रहेंगे जो भी हिस्सा रहेगा दैट इज कॉल्ड ए सराउंडिंग और दोनों को मिलकर हम कहेंगे अ यूनिवर्स यहां पर याद रखना कि सिस्टम्स के बाउंड्रीज और सराउंडिंग के बाउंड्रीज फिक्स नहीं होते हैं बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग दे आर नॉट फिक्स दे हैव टू बी डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटर और साइंटिस्ट हमें डिसाइड करना होता है कि सराउंडिंग किसे मान ले क्योंकि प्रोटीन के आसपास तो वाटर है प्रोटीन के आसपास अदर ऑर्गेनल्स भी है प्रोटीन के आसपास पूरी सेल है उसके आस पास पूरे टिश्यूज हैं तो हमें डिसाइड करना होता है हम हमें कहाँ तक रेस्ट्रिक करना है खुद को तो so सराउंडिंग या सिस्टम के कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होते हैं दैट आर डिसाइडेड बाय द कहना क्या है कि सिस्टम में एटम इट मे बी एज लार्ज एज अ अस्पीयर सेल या पूरी टिश्यू एक सिस्टम हो सकती है या पूरा ऑर्गन एक सिस्टम हो सकता है पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिस्टम हो सकता है या पूरी पॉपुलेशन इस एरिया की एक सिस्टम हो सकती है हमारे लिए या पूरी कम्युनिटी हमारे लिए सिस्टम हो सकती है या सभी कम्युनिटीज़ को मिलकर अलॉन्ग विद नॉन बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर वी कैन से एकको इकोसिस्टम कैन बी सिस्टम और पूरा बायोस्फीयर जहाँ पर कहाँ पर लाइफ पाई जाएगी और उसके आसपास वाला हिस्सा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर एजोस्फियर दैट कैन बी सिस्टम फॉर अस तो सिस्टम कुछ भी हो सकती है इन जनरल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ सिस्टम डील्स विद द एनर्जी एंड मैटर मैटर और एनर्जी के साथ सिस्टम में क्या होता है या मैटर और एनर्जी को कैसे डील करती है सिस्टम कोई भी इस बेसिस पर सिस्टम को हम थ्री कैटेगरीज में बांट सकते हैं सिस्टम कैन बी क्लोज सिस्टम कैन बी ओपन और सिस्टम कैन बी आइसोलेटेड तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड ओपन सिस्टम ये ओपन सिस्टम क्या है तो so, मान लीजिए कोई सिस्टम का हिस्सा है दिस इज दिस्टम इट इज अ मैटर नथिंग बट इट इज अ मैटर क्या है ये मैटर है जिसमें एनर्जी चेंजेस हम स्टडी करना चाहते हैं ऐसे सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को सराउंडिंग के साथ एक्चेंज करें दट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम तो दिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम अब इस हिस्से को हम मान रहे हैं सराउंडिंग दिस इज द सराउंडिंग जो येलो पार्ट है और जो एक्चुअल ग्रीन पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम अब यह सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ मैटर भी शेयर करेगी एनर्जी भी शेयर करेगी दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी अ ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे सेल सेल इफ वी कॉल इट एज अ सेल वी नो दैट सेल कैन ऑप्टेन द फूड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड सेल मैटर के फॉर्म में क्या ऑप्टेन कर सकती है फूड सेल कैन ऑप्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड जो कम्पोनेंट है सेल ऑप्टेन करेगी बाहर से और सेल कैन रिलीज द वेस्ट सेल कैन रिलीज डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन आउटसाइड इट इसका मतलब सेल बाहर से मैटर लेती भी है और बाहर रिलीज भी करती है सेल कैन रिलीज वेस्ट एज लाइक अ वाटर सेल कैन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट इट कैन रिलीज अमोनिया एज अ वेस्ट तो सेल एज क्या ये क्या है मैटर को एक्सचेंज करती है दूसरी बात

माइडोकॉन्डिया भी बाहर से कुछ कंपोनेंट आसपास से कुछ कंपोनेंट आप करेगा सराउंडिंग से जिससे एनर्जी और एटीपी बनाएगा और एटीपी बाहर भी रिलीज करेगा बनाने के बाद सो दैट इज अगेन ओपन सिस्टम इवन आवर बॉडी जो भी लिविंग थिंग्स है लिविंग सिस्टम्स जो होते हैं वो ओपन ओपन सिस्टम और ये ऐसे ओपन सिस्टम्स हैं जो सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पर काम करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर और हमारे बॉडी के आग, इंटरनल साइड का प्रेशर कांस्टेंट होता है दैट्स व्हाई वी कैन से लिविंग सिस्टम्स आर ओपन आइसोथर्मल आइसोबारिक सिस्टम्स पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे दे आर ओपन आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक सिस्टम्स आइसोथर्मल का मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोबारिक का मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और ओपन सिस्टम जो एक्सचेंज करती है मैटर और एनर्जी दोनों को दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम एज पर इट्स नेम सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा हाँ एनर्जी का लेन हो सकता है लेकिन मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा मैटर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट सिस्टम के आसपास जो मैटर है वो कांस्टेंट या सिस्टम में मैटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी अ अलोज सिस्टम तो यहाँ पर जो है हम सिस्टम का मान कर चल रहे हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर हम डिस्कस करें दाटर और चील्ड वाटर कंटेनिंग बॉटल फ्रीज से हमने कोई चील्ड वाटर कंटेनिंग बॉटल बाहर निकाल कर रख दी इनिशियली उसका टेम्परेचर था फोर डिग्री सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस थ्री डिग्री सेल्सियस जो वाटर है बॉटल में वाटर है एक लीटर तो थोड़ी देर के बाद जाकर देखिए तो आप उसमें टेम्परेचर इनिशियल उतना नहीं रहेगा जितना इनिशियली था जब हमने फ्रिज से निकाला था अब टेम्परेचर उसका बन गया है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इसका मतलब इस बॉटल के वाटर ने बाहर से क्या किया है कुछ अमाउंट में हीट ऑफ ऑफ एप्सऑप की है तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ क्लोज सिस्टम बट इट इज नॉट एक्सचेंजिंग वाटर बॉटल में वाटर उतना का उतना ही रहेगा एक लीटर ओके okay, लेकिन हीट को बाहर से ले सकता है और बाहर रिलीज कर सकता है हॉट वाटर कंटेनिंग कंटेनर कोई भी हॉट वाटर कंटेनिंग कंटेनर देखे इट इज आगे न क्लोज सिस्टम वाटर तो उतना का उतना ही रहेगा लेकिन समय के साथ साथ टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है मेनली कम हो सकता है उसको सराउंडिंग के कांटेक्ट में रखे तो इसका मतलब है वाटर क्या कर रहा है हीट लॉस कर रहा है तो दिस इज अ क्लोज सिस्टम हम कुछ लिविंग सिस्टम्स को जैसे इको सिस्टम को हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखकर क्लोज सिस्टम मान सकते हैं इको सिस्टम वे नो दैट इट इज मैटर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इकोसिस्टम के बाउंड्रीज हमें पता है फिक्स नहीं है लेकिन हम ऐसा मान कर चले कोई इस इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम के साथ मैटर एक्सचेंज नहीं करेगी ऐसा मान ले तो हम इकोसिस्टम को क्या कर सकते क्या कह सकते हैं क्लोज सिस्टम दिस इज वन इकोसिस्टम दिस इज अनदर इकोसिस्टम इसका मतलब ये इससे और ये इससे किसी भी प्रकार का मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम इकोसिस्टम को कह सकते हैं इट इज अ क्लोज सिस्टम बट इट इज इमेजिनरी क्लोज सिस्टम एक्चुअली प्रैक्टिकली क्लोज सिस्टम नहीं है इको सिस्टम दे कैन शेयर मैटर विद ईच अदर विदर हम आगे डिस्कस करेंगे इको सिस्टम के टॉपिक में इकोलॉजी में मेनली तो इको सिस्टम आस पास के इको सिस्टम के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकती है प्रैक्टिकली दैट्स वाईको सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकली क्लोज बट इफ वी कंसिडर इट इज नॉट एक्सचेंजिंग मैटर देन वी कैन कॉल इट अ क्लोज सिस्टम बट एक्चुअली ये कैसी सिस्टम होती है वापस ये भी ओपन सिस्टम है नाउ टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम्स आर दो विच नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम में जो एनर्जी है टाइम के हिसाब से टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी सिस्टम में जो मैटर है वह टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगा दर इज नो चेंज इन द एनर्जी एंड मैटर कंटेंट ऑफ द सिस्टम सच सिस्टम इज सेड टू द आइसोलेटेड सिस्टम वैसे तो दुनिया में कोई सिस्टम ट्रू सिस्टम जो नहीं है जो कि आइसोलेटेड है देर इज नो एनी ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम इन द नेचर बट कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड कह सकते हैं कुछ हद तक जैसे हम थर्मास ले लें जिसमें चाय भरकर रख सकते हैं वाटर इन टू कीप इट इज़ हॉट और कोल्ड ओके सो थर्मास में हम चिल्ड वाटर भरकर रखें पीने के लिए तो कितने दिन तक वो चिल्ड कंडीशन में कोल्ड कंडीशन में रह सकता है एक घंटा दो घंटे एक दिन लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए तो नहीं रहेगा कुछ देर के बाद वो आसपास की हीट करेगा गेन करेगा इसका मतलब भले ही हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए लेकिन ये ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है ओके थर्मास में चाय भर कर रखे तो एक दिन के लिए हॉट रहेगी दूसरे दिन तीसरे दिन वो हो सकती है उसका टेम्परेचर ज्यादा और कम हो सकता है तो दैट इज इट मींसम इज अ

लेड बॉक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्लोज सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम बट दुनिया में ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम है नेचुरली तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होती तो दिस इज अबाउट सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स हमने कहा कि थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड जो भी हम डिस्कशंस करेंगे वह सभी किसके लिए ट्रू है यूनिवर्स के लिए ट्रू है नॉट आ फॉर सिस्टम नॉट और फॉराउंड नाउ लेट्स अंडरस्टेंड द मोर बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने कहा कि किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंजेस होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी चेंजेस वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कोई यहां पर रिएक्शन है दिस इज द ए एंड दिस ए इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड वाइस वर्सा बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए ठीक है अब इस रिएक्शन का नेचर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस रिएक्शन के दौरान होने वाले एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना पड़ेगा बस इस रिएक्शन का हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा किसी भी प्रोसेस में दो ही ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती है दो ही फंक्शंस होते हैं जो थर्मोडायनामिक्स का आउटपुट डिसाइड करते हैं ओनली टू फंक्शन द आउटपुट ऑफ और रिजल्ट्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और नेचर ऑफ एनी रिएक्शन दैट इज एंथाल्पी एंड एंड्रॉप किसी भी प्रोसेस का आउटपुट या प्रोसेस का नेचर या किसी भी केमिकल रिएक्शन का नेचर इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड होता है आर दी फैक्टर्स थर्मोडायनामिकल फंक्शन सिंपली हम कह सकते हैं दे डिसमोडायनेमिक्स और द कंक्लूजन ऑफ अ थर्मोडाइनमिक बट इनका एक ड्रॉबैक है अकेली कोई भी फंक्शन या अकेला कोई भी फंक्शन ये एंथाल्फी हो या एंट्रोपी हो एंथल्फी और एंट्रोपी अलोन कैन नॉट डिसाइड द नेचर ये दोनों मिलकर नेचर डिसाइड करते हैं ये अलोन अकेले कभी भी किसी भी रिएक्शन का नेचर बता नहीं पाते दे अलोन

फ्री एनर्जी सो फ्री एनर्जी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन एंट्रोपी एंड एंथाली इन दोनों पर डिपेंड है किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी क्या होगी सिस्टम में एंथालपी कितनी है सिस्टम में एंथ्रॉपी कितनी है इस बेसिस पर डिसाइड होगा उस सिस्टम की फ्री एनर्जी क्या होती है सो फ्री एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर विच एक्चुअली टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ रिएशन इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रिएक्शन नेचर का मतलब वापस कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या कोई रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है या कोई रिएक्शन कितनी देर तक होगी या उस रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट बनेगा और सब्सट्रेट कंज्यूम होगा ये सभी चीजें हम पता कर सकते हैं बाय लुकिंग द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दैट रिएक्शन बट वापस याद रखना फ्री एनर्जी जिसे हम जी से डेसिग्नेट करने वाले हैं फ्री एनर्जी डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड द स्पीड ऑफ रिएक्शन हाँ रिएक्शन किस वे से होगी किस स्टेप से होगी कौन सी स्टेप्स से इन्वॉल्व है इसकी इंफॉर्मेशन ये तो नहीं देगा दूसरी बात ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगा हाँ इतना बताएगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी कौन सी डायरेक्शन में होगी और कितनी देर तक होगी फ्री एनर्जी इज वॉट हम यहां पर पहले फ्री एनर्जी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फाइनल इसी पर डिपेंड होता है कि रिएक्शन का नेचर क्या होगा फ्री एनर्जी इज द एनर्जी यूज टू डू वर्क एनर्जी विच इज अवेलेबल एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू वर्क स फ्री एनर्जी इसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं किसी सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है लेकिन उस सिस्टम की पूरी की पूरी एनर्जी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करें पॉसिबल नहीं है जैसे हम पर लेकर चले ग्लूकोज ग्लूकोज में कितनी टोटल एनर्जी है हम देखेंगे अराउंड टू एट ज़ीरो फाइव किलो जूल्स पर मोल और इसे कैलोरीज़ में लिखेंगे तो सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवेंटी किलो कैलोरीज़ पर मोल के आसपास आएगा या सेवन हंड्रेड किलो कैलोरीज़ के आसपास आएगा तो ग्लूकोज में इतनी एनर्जी है लेकिन इसकी रिएक्शन हुई मीन्स प्रोसेस स्टार्ट हुई अब केमिकल रिएक्शन की ग्लूकोज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ पूरी तरह से डिग्रेड हुआ कम्बस्ट हुआ ऑक्सीडाइज हुआ इस दौरान हमने कहा एनर्जी लिबरेट होगी और जो एनर्जी लिबरेट होगी कितनी लिबरेट होगी जितनी थी उतनी लिबरेट होगी बराबर और जो लिबरेट हो रही है वो सभी की सभी एनर्जी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते तो हमने इसमें से सिर्फ इतनी एनर्जी यूज की ताकि हम सिर्फ थर्टी टू बना सके कितनी एनर्जी यूज की जितनी रिलीज हुई थी रिलीज कितनी हुई जितनी थी टोटल वो रिलीज हुई उसमें से हमारे काम की कितनी साबित हुई सिर्फ थर्टी टू बनाने टी इतनी थर्टी टू में कितनी एनर्जी होती है थर्टी टू इंटू सेवन पॉइंट थ्री कर देखे क्योंकि हमने कहाँ पर पढ़ा था एक केटी में एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देने की कैपेबिलिटी होती है तो मल्टीप्लाई कर कर देखें कितना हो रहा है कितना यूज किया हमने कितना यूज किया कितनी यूज की कि जा रही है 32 7.3 32 7.3 कितना यूज हुआ मल्टीप्लिकेशन कर कर बताना है क्या आ रहा है वैल्यू ताकि हम आगे की चीजें डिस्कस कर सकते क्या आ रहा है टू थाउजेंड टू थ्री टू थ्री ओके इतना हो रहा है टू थर्टी थ्री किलो कैलोरीज पर मोल टोटल कितनी हुई थी किलो कैलोरीज में देखा जाए तो सिक्स सेवेंटी एनर्जी है उसमें से हमने कितना कंज्यूम किया कितना यूज किया हमने हमारे काम के लिए एटीपी बनाने के लिए ओके okay, क्या काम कर रहे थे हम काम करना मींस यहाँ पर कोई प्रोसेस कैरी आउट करना जैसे एटीपी बनाने की प्रोसेस कर रहे थे उसके लिए कितनी यूज की गई सिर्फ और सिर्फ इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 8240 आउट ऑफ 670 100 ये कर कर देख लेना एप्रोक्सीमेटली लेस देन 50% आएगा ठीक है तो जो एनर्जी हम टोटल ग्लूकोज में जो सिस्टम में एनर्जी थे यूज कर चुके हैं उसे कहेंगे फ्री एनर्जी हमारे काम की तो कितनी रहेगी एनर्जी कभी भी किसी भी सिस्टम में फ्री एनर्जी इज द एनर्जी इज अवेलेबल टू डू वर्क ओके जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे एक लीटर पेट्रोल में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी हम हमारी बाइक चलाने के लिए या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं तो दैट इज अ फ्री एनर्जी फॉर अस पेट्रोल में बहुत सारी एनर्जी होकर हमें हाँ क्या लेना देना है उसमें से चलने के लिए कितनी यूज हो रही है हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है दैट इज आवर फ्री एनर्जी तो फ्री एनर्जी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है सो फ्री एनर्जी को हम डेसिग्नेट करते हैं कैपिटल जी से फ्री एनर्जी इज डेसिग्नेटेड बाय कैपिटल जी किसी भी रिएक्शन के दौरान फ्री एनर्जी चेंज दिखाई देता है किसी भी प्रोसेस के दौरान क्योंकि रिएक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है हर एक रिएक्शन में हम देखें तो कोई होगा सबस्ट्रेट और कोई होगा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की कुछ फ्री एनर्जी होगी और प्रोडक्ट की भी कुछ फ्री एनर्जी होगी और रिएक्शन के दौरान फ्री एनर्जी चेंज हो सकता है चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल क्या हो रहा है फ्री एनर्जी चेंज और इनिशियल क्या था का so, सबस्ट्रैक्शन कर कर तो फ्री एनर्जी चेंज को डेटिग्नेट करने के लिए हम डेल्टा फैक्टर यूज करते हैं डेल्टा जी इट इंडिकेट फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल स्टेज फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेज फ्री एनर्जी ठीक है मान लीजिए हम घर से निकल रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमारे बॉडी में कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है एटीपीस के फॉर्म में लेकिन हम हमारे डेस्टिनी पर जाएंगे ओके तो अमाउंट ऑफ एटीपीज सेम नहीं रहेंगे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी यहां आने के बाद आपके बॉडी में एनर्जी कंटेंट सेम नहीं रहेगा चेंज हो जाएगा यहां आने के बाद जो एनर्जी कंटेंट है और निकलने के समय जो एनर्जी कंटेंट है निकलने के समय जो था वो क्या कहलाएगा इनिशियल कंडीशन और यहां आने के बाद जो एनर्जी कंटेंट है उसे कहलाएगा फाइनल ओके सो इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल दिस इज द दूटिलाइज और दिस इज अमूला विच इज यूटिलाईज टू नो द चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस अब इनिशियल कैसे डिसाइड होगा और फाइनल डिसाइड कैसे होगा अब किस डायरेक्शन में सोच रहे हो बराबर हम प्रोडक्ट का कन्वर्जन सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने करना चाहते तो, क्या होगा इनिशियल होगा प्रोडक्ट और फाइनल होगा सबस्टेट और हम सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबस्टेट इनिशियल बनेगा और फाइनल क्या बनेगा प्रोडक्ट फाइनल बनेगा ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबस्ट्रेट है इसमें एनर्जी थी कुछ फाइव और इसका कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में और एनर्जी रही थ्री ठीक है वैसे तो डायरेक्टली हम फ्री एनर्जी किसी का कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन समझने के लिए इसकी कुछ फ्री एनर्जी थी फाइव और सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ अब इसकी फ्री एनर्जी हुई थ्री नाउ वॉट इज तो द चेंज डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल फ्री एनर्जी कंटेंट इज थ्री माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू निगेटिव और माइनस टू क्या आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या लॉस की जा रही है एनर्जी लॉस हो रही है तो सिस्टम में से कोई एनर्जी लॉस होती हो सिस्टम में भी यानी रिएक्टेंट रिएक्टेंट या सबस्टेट में से प्रोसेस के दौरान एनर्जी लॉस होती हो तो वस उस उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिएक्शन या केमिस्ट्री वाले लोग कहेंगे रिएक्शन। ये जस्ट टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है मीनिंग एक ही है एक्जरगोनिक और एक्जोथर्मिक इन एनी प्रोसेस इफ अ रिएक्टेंट इज लूजिंग द एनर्जी दैट इज कंसीडर्ड एज अग्जरगोनिक रिएक्शन एग्जर्गोनिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत होती नहीं है हमारी एनर्जी है हम कुछ भी करें हम उसे वेस्ट कर लें ओके okay, हमारा पैसा हम कुछ भी करें हमारे पास होगा तो उसके खर्च करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तो ऐसी रिएक्शन जो एग्जर्गोनिक होती है वह नेचर के किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं होती है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसे करने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है हेल्प इन द सेंस बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है दिस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेक्स्ट ऐसी रिएक्शन जो एक्सर्गोनिक होती है स्पॉन्टेनियस होती है उस डायरेक्शन में मीन्स हम मानकर चल रहे हैं उस डायरेक्शन का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन विच इज एक्निक तो क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं किसी रिएक्शन के दौरान डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है तो हम तीन कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव आया तो फर्स्ट रिएक्शन एक्जरगोनिक है एनर्जी लॉस कर रही है रिएक्शन स्पॉन्टीन्यूअसली होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल रहेगी नेक्स्ट मान लीजिए कोई सबसे प्रोडक्ट है अब इसकी एनर्जी है थ्री और इसकी एनर्जी बन गई फाइव व्हाट इज द डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आएगा अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आएगा फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव टू और प्लस टू इसका मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन के दौरान कहीं से इसने रिएक्टेंट ने क्या की टू कैलोरीज इतनी एनर्जी ऑब्सॉर्व कर ली ऑप्टेन कर ली तब जाकर ये रिएक्शन हुई यही कहना है ना कहीं से हमने एनर्जी आइस ऑप्टेन की तो रिएक्शन होगी अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी सबस्ट्रेट नहीं बनेगा सॉरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा ऐसी रिएक्शन जो डेल्टा जी जिसका पॉजिटिव हो ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो क्या क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे ये रिएक्शन एंडरगोनिक होगी या एंडोथर्मिक होगी एंडरगोनिक गेन द एनर्जी फ्रॉम एल्स बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा और ये रिएक्शन एनर्जी तब लेगी ना जब कोई देने के लिए रेडी होगा देने वाला नहीं होगा तो ये रिएक्शन खुद नहीं हो सकती है इसका मतलब इस रिएक्शन को किसी पर डिपेंड रहना होता है दिस रिएक्शन एल्स द सराउंडिंग तो हम इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कह सकते हैं इट कैन बी सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि इसको होने के लिए किसी पर डिपेंड होना पड़ रहा है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो फेवरेबल नहीं है खुद नहीं होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाँ इसका उल्टा कर कर देखें हम प्रोडक्ट से सबस्टेट में कन्वर्ट होना इसका हम डेल्टा जी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा

तो इस रिएक्शन के दौरान चलो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से सब्सट्रेट बनने के चांसेस ज्यादा है कॉन्टिन्यूस ठीक है तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस सो डेल्टा जी पॉजिटिव होने पर क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आ सकते हैं दीज आर दी कंक्लूजन ओके नाउ ऐसा हो जाए डेल्टा जी किसी रिएक्शन का जीरो आ जाए तो क्या होगा या कब होगा ये डेल्टा जी जीरो कब होगा डेल्टा जी मान लीजिए कोई रिएक्शन सबस्टेट है ये प्रोडक्ट है सबस्टेट और प्रोडक्ट में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी सबस्टेट और प्रोडक्ट या इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में एनर्जी कंटेंट सेम होगी तो क्या होगा उसका डेल्टा जी जीरो आएगा यह रिएक्शन कहलाएगी रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम

तो हम कह रहे हैं इक्वली फेवरेबल इन बोथ डायरेक्शन तो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट और सब्स्टेड बनने के चांसेस क्या है सेम अमाउंट में और सेम अमाउंट में फेवरेबल है तो प्रोडक्ट बनने का रेट और सब्स्टेट बनने का रेट भी सेम हो जाएगा तो किसी रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो आता है इसका मतलब वह रिएक्शन क्या होती है इक्विलिब्रियम पर होती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है व्हाट इज इक्विलिब्रियम हम आगे डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब इट इज द स्टेट इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज सेम द स्टेट वेयर स्टेट या यू कैन से कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वलिब्रियम डिपेंड्स ऑन हम आगे डिस्कस करेंगे इक्वलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सब्स्टेट कॉन्सेंट्रेशन हम इक्वलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट और सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेकर निकालते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब अभी के लिए बस इतना याद रखना सब्सट्रेट और प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम आया ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम इज अ क्वांटिटी विच इज इेस्पेक्टिव टू दबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरे पास पहले था 100, तो ये 100 है, और और इसमें से प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो आप मेरे पास 50 और 50 है, इसका मतलब नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम आया है मीन हैविंग सेम अमाउंट ऑफ और सेम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड ड कभी भी हो सकता है मान लीजिए प्रोडक्ट फोर्टी है और सब्स्टेट सिक्सटी है तब जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो रहा है तो so, मुझे कहना है जब कभी इक्व्रियम आएगा रिएक्शन तो होगी ही हो होगी ऐसा नहीं की रिएक्शन रुक रही है रिएक्शन होगी लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज सेम उटपुट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्ड रिएक्शन का कुछ आउटपुट नहीं आएगा जितना सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सबसे so, कुछ नहीं होगा इक्वलिब्रियम पर आ रही इसका मतलब रिएक्शन रुकी नहीं है ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं थर्मोडाइनि के दौरान क्वेश्चन पर तो एट इक्म विच ऑफ दू रिएशन कैनोट आकर इट इज ट्रू नो रिएक्शन कैन आकर बट द नेट आउटपुट ऑफ रिएक्शन इज जीरो, ठीक है? तो दिस इज़ अबाउट एनर्जी, लेकिन फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें किसी रिएक्शन फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है। हमने कहा कि फ्री एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज एंथल्फी एंड एंट्रोपी सो लेट्स अंडरस्टैंड वट इज एंथाली एंट्रॉ इज नथिंग बट टोटल ही कंटेंट ऑफ सिस्टम या सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है दैट इज कॉल्ड एज दलपी जैसे कि टोटल इनकम इसका मतलब जो हमारी टोटल इनकम है उस सभी के सभी इनकम हम आउटपुट प्रोडक्ट के आउटपुट बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते कुछ लॉस हो सकती है नेट इनकम को हम कहेंगे फ्री एनर्जी टोटल इनको इनकम को कहेंगे एंथाल्फी ठीक है एंथाल्फी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ दिस्टम किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी होगी वह डिपेंड किस पर हो सकता है टोटल एनर्जी इज डेसिग्नेटेड बाई एंथाल्फी और कैपिटल एच टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कितनी होगी एनर्जी स्टोर्ड इन दम ऑफ बॉन्ड्स दैट्स वाई एंथल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड्स कब ज्यादा रहेंगे जब वह रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है तो ग्लूकोज में कितनी एनर्जी रहेगी तो डिपेंड है उसमें कितने बॉन्ड्स हैं कितने बॉन्ड्स रहेंगे वो डिपेंड है कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ज्यादा बॉन्ड्स ज्यादा बॉन्ड्स रहेंगे तो ज्यादा एंथल्पी रहेगी तो एंथल्पी डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू कॉन्सेंट्रेशन यंथाल्पी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल्सो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करेगा टाइप ऑफ बॉन्ड मैटर करेगा ऐसा देखा गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी और एंथल्पी कंटेंट ज्यादा होता है मेनली मॉलिक्यूल्स हैविंग सिंगल बॉन्ड हैोर एंथाल्पी दैन द मोलिक्यूल है ऐसा क्यों क्योंकि एंथाल और एक फैक्टर पर डिपेंड होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली है वह ज़्यादा एनर्जेटिक होती है ऐसी चीज़ जो ज़्यादा मूव करने वाली है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है जैसे कोई आपके पास पत्थर पड़ा हुआ है में कुछ एनर्जी नहीं है ओके okay. हाँ लेकिन किसी ने फेंक कर आपको मारा तो उसकी एनर्जी समझ में आएगी इसका मतलब उसके पोटेंशियल में कुछ एनर्जी नहीं थी उसके स्टेज में कुछ एनर्जी नहीं थी लेकिन उसके मूवमेंट में एनर्जी है सिमिलरली ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ज्यादा वाइब्रेशन हो सकते हैं ज्यादा वाइब्रेशन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें बॉन्ड रोटेट हो पाएंगे जिनमें कन्फर्मेशनल और कन्फर्मेशनल चेंजेस ज्यादा हो सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और वो ज्यादा एन्थैल्पी होती है तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सिंगल बॉन्ड मे हैव मोर वाइब्रेशंस दैट्स व्हाई दे कैरी मोर एन्थैल्पी इन इट इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि हम आगे भी लिपिड मेटाबॉलिज्म में देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विल हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मान लीजिए 16 कार्बन की एसिड है जो सैचुरेटेड है और 16 कार्बन की फैटी एसिड है जो है तो दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी होगी तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में एंथैल्पी कंटेंट ज्यादा होगा देन द बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिस इज बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट ऑफ मैटर दिस इज बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड और एक फैक्टर जो कि एंथाल्पी को डिसाइड करता है एंथाल्पी डिपेंड ऑन थर्मल एनर्जी अराउंड इट सिस्टम के आसपास कितनी थर्मल एनर्जी है इट कितनी है उस पर डिपेंड होती है एंथाल्पी जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज का और उसको जीरो डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जीरो डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है और एक कोई सॉल्यूशन बनाया मैंने ग्लूकोज का ही और उसे 37 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया और देखा ग्लूकोज में कितनी एनर्जी है टोटल एनर्जी तो जितना लेस टेम्परेचर रहेगा आसपास उतनी कम एंथाल्फी बनेगी तो लेस इज द टेम्परेचर लेस इज द एंथाल्फी थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथाल्फी आसपास जितनी एनर्जी ज्यादा रहेगी उतनी ही एनर्जी सिस्टम में ज्यादा रहेगी ओके सो दीज आर डिसाइड द कंटेंट ऑफ एंथल और एनर्जी कंटेंट इन ड्यूरिंग एनी प्रोसेस अगेन किसी भी प्रोसेस के दौरान रिएक्टेंट या इनिशियल स्टेज में जो एंथलपी रहेगी या प्रोडक्ट जो फाइनल स्टेज रहती है उसकी एंथॉलपी सेम नहीं रहेगी ड्यूरिंग एनी रिएक्शन एनी प्रोसेस एंथलपी चेंज आकर और चेंज इन एंथाल्फी डेसिग्नेटेड बाय डेल्टा एच तो व्हाट इज द डेल्टा एच इट इज द चेंज इन एंथाल्फी तो हम कह रहे हैं किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी कंटेंट सेम नहीं रहेगा प्रोसेस के दौरान एनर्जी कंटेंट बदल जाएगा ठीक है जैसे ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं रहेगी ठीक है या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी क्लियर है जितनी एनर्जी अनफोल्डेड स्टेट ऑफ प्रोटीन में है उतनी फोल्डेड स्टेट ऑफ प्रोटीन में नहीं रहेगी या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी डिपेंड है क्या हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान प्रोसेस के दौरान तो एंथैल्पी भी चेंज होती है एंथैल्पी चेंज होती है उसी वजह से फ्री एनर्जी चेंज होगी क्योंकि एंथाल्फी पर ही क्या डिपेंड है क्या डिपेंड है फ्री एनर्जी डिपेंड है।, है चेंज इन एंथैल्पी इज डेसिग्नेटेड बाय डेल्टा एच इट इज अगेन कैलकुलेटेड बाय फाइनल स्टेज एंथल्फी माइनस इनिशियल स्टेज एंताल्फी जैसे कोई रिएक्शन है ए इज कन्वर्टेड इनटू बी मान लीजिए इसके पास कोई एंताल्फी फाइव थी और ये कन्वर्ट हो गई थ्री में अब एंताल्फी प्रोडक्ट की आ रही है थ्री तो डेल्टा एच क्या हुआ इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज माइनस टू एंड एज एंट्रॉप सॉरी एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिक्रीज्ड इस सिस्टम की एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हो चुकी है तब जाकर एनर्जी कंटेंट कम हुई ना फाइनल स्टेज आते आते तो इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है एनर्जी लॉस हो रही है अगेन द कंक्लूजन आर रिएक्शन इज एक्निक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड रिएक्शन इज द फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके okay. नेक्स्ट वापस कोई सब्सटेंस है जो कि बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसकी एनर्जी थी थ्री और ये मान लीजिए फाइव हो गई तो इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान इस प्रोसेस के दौरान आसपास से एनर्जी गेन की गई है एनर्जी बढ़ी है एंट्रॉफी सॉरी एंथल बढ़ी है इसका मतलब आसपास से एनर्जी गेन की गई होगी तो डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव टू आएगा पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है इफ डेल्टा इज पॉज डेल्टा एच इज पॉजिटिव देन व्हाट आर द दंक्लूजन कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं एनर्जी सॉरी रिएक्शन इज एंडरगोनिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिएक्शन इज वी नो दैट इट इज़ नॉट फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा कितना निगेटिव आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर कर देखिए डेल्टा एच माइनस टू आ रहा है फॉरवर्ड के लिए कितना आ रहा था प्लस टू आ रहा था फ्री एनर्जी के लिए भी यही सही था तो इससे तो दो चीजें हमें समझ में आ रही है और एक कंक्लूजन यहां से ड्रॉ किया जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन डेल्टा एच फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज सेम डेल्टा एच फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज सेम बट द साइन इज अपोजिट बराबर उसके एक का पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव फ्री एनर्जी के लिए भी ऐसा कर देखें मैग्नेटिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज सेम मीन्स ए टीपी से एडीपी प्लस पी आई बना तो माइनस सेवन पॉइंट थ्री एनर्जी लिबरेट हुई तो उसको वापस ए डी पी से ए डी पी और पी आई को कम्बाइन कर ए टी पी बनाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी

पर है उस रिएक्शन को हम कहेंगे इट इज इक्वली फेवरेबल इन बोथ डायरेक्शन इट इज़ इक्वली फेवरेबल इन बोथ डायरेक्शन बट वापस याद रखना ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है रिएक्शन है लेकिन नेट आउटपुट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ठीक है सो दिस इज़ अबाउट द एंथाल्पी नाउ मूविंग टू अ थर्ड फैक्टर फॉर्ड इज एंट्रोपी एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कोई चीज जितनी ज्यादा रैंडम होगी जितनी ज्यादा ज्यादा डिसऑर्डर होगी उसकी एंट्रॉपी ज्यादा रहेगी तो एंट्रॉपी इज डेसिग्नेटेड बाय कैपिटल एस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस अब ये रैंडमनेस नंबर के हिसाब से हो सकता है या रैंडमनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है नंबर मीन्स अमाउंट बढ़ गई क्वांटिटी बढ़ गई स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया कैन यू टेल मी विच

और अल्टीमेटली वह सिर्फ फ्यू कन्फर्मेशन अचीव करता है जो कि वह अचीव कर पाता था या कर सकता था उसमें से तो एज प्रोटीन फोल्ड्स कन्फर्मेशनल डाइवर्सिटी डिक्रीजेस कन्फर्मेशनल डाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पर वो टू टाइप्स के कन्फर्मेशन एक्वायर कर सकता है कुछ भी बन सकता है रैंडमनेस ज्यादा है लेकिन प्रिसाइजली डिसाइड कर लिया है इसने कि इसको इस प्रकार का प्रोटीन बनना है और इसने सिर्फ और सिर्फ फ्यू कन्फर्मेशन अचीव किए तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली हम देखें प्रोटीन तो ही है नंबर तो एक ही है लेकिन स्ट्रक्चरली आप प्रोटीन वेल ऑर्गेनाइज स्टेट में है नाउ द एंट्रोपी इज लेस एंट्रोपी इज मोर ठीक है प्रोटीन की एंट्रोपी ज्यादा अनफोल्डेड स्टेट में होती है प्रोटीन जब फोल्ड हो जाता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है मान लीजिए ग्लूकोज है ग्लूकोज में छह कार्बन से ऑर्डर्ड स्टेट में अरेंज किए गए ग्लूकोज में छह कार्बन थे कार्बन 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 कार्बन, कार्बन. अब स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था ऑर्डर स्टेट में अरेंज किए गए थे लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया गया छह कार्बन डाइऑक्साइड बने अकेला ग्लूकोज ज्यादा रैंडम होगा क्या उससे बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम होंगे ग्लूकोज के पास रैंडमनेस कम है एंट्रोपी कम है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने के कारण उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ने के लिए क्या बढ़ना जरूरी है या तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना जरूरी है या तो नंबर बढ़नी जरूरी है तो हाउ कैन वी इंक्रीज द रैंडमनेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर और बाय डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और एक इंपॉर्टेंट चीज रैंडमनेस के साथ लिए कोई भी प्रोसेस जिसका रैंडमनेस बढ़ता है प्रोसेस के दौरान वह प्रोसेस पॉन्टीन्यूस होती है तो और नेचर की टेंडेंसी है प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रोसेस के दौरान बढ़ाने की ऐसी चीजें ऐसी रिएक्शंस जिनके दौरान एंट्रॉपी बढ़ती है उन रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाए क्योंकि एंट्रोपी बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है हाँ लेकिन एंट्रोपी कम करने के लिए एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा ओके हम कह रहे हैं प्रोसेस In which entropy of universe increases. हम यहा सिस्टिम नहीं कह रहे यूनिवर्स इनक्रीजिस आर कॉन्टेनेस अब यूनिवर्स के लिए अप्लाई की जा रही है ये नॉट फॉर सिस्टिम ठीक है हा यूनिवर्स की अंडर बढ़ने के बावजूद सिस्टम की अंडर कम हो सकती है, ठीक है ऐसा हो सकता है तो ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसके दौरान यूनिवर्स की अंडरऑफी बढ़े वह प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है जैसे हमारे हाथ पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे ग्लास है हमारे पास कांच का वो हाथ से निकल गया जमीन पर गिरने के बाद उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस बनेंगे हमने तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी अप्लाई नहीं की सिर्फ छोड़ दिया था ठीक है सो दैट इज अस्पॉन्टेनियस कि उसका डिस्टर्बेंस हो गया स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो रैंडमनेस बढ़ा बट उसको वापस ऑर्गेनाइज करना है तो, तो हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी हमें टाइम देना पड़ेगा तब जाकर वो ऑर्गेनाइज स्टेट में आएगा ग्लूकोज का कन्वर्जन हम आगे डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हुआ तो डेल्टा जी इसका आएगा निगेटिव

फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस हाँ ग्लूकोज डिग्रेड भी किया जा सकता है ग्लूकोज बनाया भी जा सकता है नेचर में लेकिन बनाने के लिए एनर्जी जरूरी है क्योंकि इसके दौरान हमें हाँ एंट्रॉपी कम करनी है और तोड़ने के लिए एनर्जी जरूरी नहीं होती है क्योंकि इसके दौरान एंट्रापी बढ़ने वाली तो सिंपली याद रखना कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके दौरान एंट्रापी बढ़ेगी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगी बट ये भी हो सकता है उस प्रोसेस के दौरान सिर्फ सिस्टम की एंट्रॉपी कम हो सकती है लेकिन टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए तब जाकर प्रोसेस को स्कॉन्टीन्यूस कहा जा सकता है जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में था प्रोटीन फोल्ड हुआ तो इसकी क्या हुई इसकी क्या हुई एंट्रोपी कम हुई या बड़ी कम हुई फिर भी हमने कहा था कि प्रोटीन फोल्डिंग इज अ स्कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ठीक है क्यों हम कह रहे हैं प्रोटीन तो क्या है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ये सिस्टम है लेकिन इसके आसपास क्या था वाटर हमने एग्जांपल भी लिया था प्रोटीन जब अनफोल्डेड स्टेट में था उसकी एंड्रॉपी थी मान लीजिए हंड्रेड uh... और प्रोटीन जब फोल्डेड हुआ तब उसकी एंड्राफी बनी फिफ्टी तो प्रोटीन की तो एंड्रॉपी कम हुई ना सिस्टम की एंड्राफी तो कम हो रही है लेकिन आसपास का वाटर प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में होने के कारण इसकी एंड्रॉपी बनी थी टेन और वह बढ़कर हो गई आसपास के वाटर की हंड्रेड तो नेट चेंज क्या आ रहा है दोनों का मिलकर चेंज क्या आ रहा है यूनिवर्स को हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर सिस्टम में कितना चेंज आया माइनस फिफ्टी वाला सिस्टम के लिए लेकिन सराउंडिंग में क्या चेंज आया प्लस नाइन्टी वाला तो नेट चेंज क्या आ रहा है प्लस फोर्टी ओवरऑल प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है यह सही है लेकिन प्रोटीन की खुद की क्या होती है कम होती है ठीक है इट इज अ एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस जिसमें सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है सिस्टम की एंट्रोपी कम गुना कम हो जाती है ताकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज दैट्स व्हाई दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज अ स्पोंटेनियस प्रोसेस ठीक है सो so, चेंज इन एंट्रोपी डेसिग्नेट किया जाता है डेल्टा एस से चेंज इन इज डेसिग्नेटेड बाय डेल्टा एस डेल्टा एस इज कैलकुलेटेड जैसे कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है वापस इसकी एंट्रोपी मान लीजिए ये थ्री थी और ये बढ़कर होगी फाइव बढ़ाने के लिए तो बाहर से कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द चेंज डेल्टा एस इज प्लस टू और जब कभी एंट्रॉपी पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन कहलाएगी एक्सर्गोनिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी स्पॉन्टेनियस क्योंकि ये रिएक्शन नेचर में खुद हो जाती है और रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सिमिलरली कोई ए है कोई बी है इसके दौरान एंड्रॉपी इसकी फाइव थी एंट्रोपी कम हो गई थ्री हो गई रैंडमनेस कम किया जा रहा है तो ऑर्डर्डनेस लाया जा रहा है ऑर्डर्डनेस लाना है तो ये एन, एनर्जी देनी पड़ेगी ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एस निगेटिव आता हो तो वह एंडर गोनिक रिएक्शन कहलाएगी बाकी सभी चीज़ें अपोजिट आप लिख सकते हैं एंडर गोनिक then non spontaneous and फेवरेबल in reverse direction ठीक है तो so, एंट्रोपी के लिए जो चीजें एंथलपी और फ्री एनर्जी के लिए सही थी उससे अपोजिट चीजें सही है उनके लिए निगेटिव आना जरूरी था इसके लिए एंट्रोपी क्या होना जरूरी है पॉजिटिव होना जरूरी है ठीक है दोनों अपोजिट चीजें हैं फ्री एनर्जी का यूनिट था फ्री एनर्जी का यूनिट यूनिट ऑफ फ्री एनर्जी एंड एंथॉलफी इज सेम जी और एच का यूनिट सेम होता है किलो कैलरीज पर मूल या आप सिंपली कैलरीज पर मूल लिख सकते हो या सिंपली आप जूल्स पर मूल लिख सकते हो तो दीज आर दूनिट्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड एंथॉलपी किलो कैलरीज पर मूल जूल्स पर मूल कैलोरीज पर मूल अब एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज किलो कैलोरीज़ पर मोल पर केल्विन, किलो कैलोरीज़ पर मोल पर केल्विन। इसमें क्या समझ में आ रहा है एंट्रोपी के दौरान या एंट्रोपी किसी प्रकार से केल्विन किसका यूनिट है टेम्परेचर हीट का टेम्परेचर का यूनिट है ना तो इसका मतलब किसी प्रकार से एंट्रॉपी केल्विन पर डिपेंड होती है ठीक है एंट्रॉपी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बराबर हायर द टेम्परेचर मोर इज द एंट्रोपी लेसर द टेम्परेचर लेस इज द एंट्रोपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है एंट्रॉपी और टेम्परेचर का प्रोपोर्शन क्या है डायरेक्ट है एंट्रोपी कब ज़्यादा होगी जब हाई टेम्परेचर होगा एंट्रोपी कब कम होगी जब कम टेम्परेचर कम होगा एक एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो वाटर आइस फॉर्म में ज़्यादा रैंडम होता है या लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रैंडम होता है लिक्विड फॉर्म में तो आइस का टेम्परेचर या टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर आइस बनेगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव या रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है एंट्रोपी बढ़ती है ठीक है क्लियर है तो कंसेप्ट तो बेसिक क्लियर हो रहे हैं ना तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ थर्मो नाउ मूविंग टू अनदर पार्ट